वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज रीजनिंग के कुछ हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको रीजनिंग सेक्शन की पजल्स को अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी हो और आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं अभी उसमें भी आपको काफी सारा सपोर्ट मिले। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें कि मुझे ये चीज समझ आती है कि हर प्रिलिम में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि पजल पूछी जाती है रीजनिंग सेक्शन में, और 15 से 20 मार्क का ये पूरा एक टोटल होता है वहां पे। तो अगर आप 4 में से 3 पजल भी बना लेते हैं और 15 मार्क्स अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो बाकी जो आपका छोटे वाले जो क्वेश्चंस हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है या इनइक्वालिटीज हैं, छोटी छोटी जो डायरेक्शन बेस्ड पजल है, ब्लड रिलेशन है, इनसे आप बाकी निकालेंगे तो 25 और 30 के बीच में अगर आप रिस्पेक्टेबल स्कोर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज फोकस ऑन योर पजल्स, बिकॉज पजल जो है फोकस करिए, आप अपने आप को रेगुलरली फोकस करिए पजल्स के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फर्क 15 से 20 दिन के अंदर आपको पता चलेगा। पजल्स में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं उनके पूछने के। अगर आप एक बार 50-100 पजल कर लेते हैं तो आप आराम से 4 में से 3 क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व एज मेनी पजल्स एज पॉसिबल, एज मेनी पजल्स एज पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि ये पजल कहाँ से सॉल्व करें। देखिए, एग्जाम में अगर आपको क्लियर करना है, एग्जाम आपको क्लियर करना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, रेलिवेंट पजल्स करनी पड़ेंगी आपको, रेलिवेंट। अगर आप रेलिवेंट चीजें नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आप जो है अपनी एनर्जी को ऐसी डायरेक्शन में लगाओगे जिसका कोई फ्रूट नहीं निकलने वाला है। तो अब रेलिवेंट पजल्स कहां से मिलती हैं? रेलिवेंट पजल मिलेंगी आपको, ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट पजल आपको मिलती है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर आज जो मैं बता रहा हूं कि रेलिवेंट पजल्स को आपको करना चाहिए। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पजल एंड एनालाइज द अप्रोच डेली। यहां पर मैं आपको एक चीज जो बताना वाला हूं कि मॉक टेस्ट, अभी मार्केट में मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल रहे हैं और ये जो कंपनीज ने बनाए हुए बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, तो आप किसी का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि अड्डा का मॉक टेस्ट है आपके पास, देन ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड का है, ग्रेडअप का है, ग्रेडअप का है, उसके बाद आपका आई थिंक टेस्ट जोन का है, प्रैक्टिस मॉक है, गाइडली का है, ऐसे आपके पास मॉक टेस्ट हैं। अब मैंने लगभग सभी मॉक टेस्ट को ट्राई किया है जो भी मार्केट में है। आई एम अ सब्सक्राइबर टू ऑल ऑफ देम बिकॉज माय फेवरेट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज थ्रू मॉक टेस्ट। मैंने मॉक टेस्ट बहुत अटेम्प्ट करे हैं एंड आई थिंक आई हैव, जब मैंने आरआरबी का प्री दिया था तो ऑलमोस्ट मैंने 50 के करीब मॉक टेस्ट दिए थे एंड आई वाज थ्रू। सो मॉक टेस्ट को आप जितना ज्यादा दे सकते हो वो दीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको रिलेवेंट चीजों का पता चलता है। तो आप किसी का भी ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, इंटरफेस, पजल का लेवल, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं ये कहता हूं कि एक्सप्लोर ऑल और आपका कंफर्ट जोन देखिए कि कौन सी वाली पजल्स हैं जो, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताएं तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है, तो इन तीनों की इंग्लिश है सेम है, बट आपको द हिंदू की इंग्लिश थोड़ी टफ लगेगी, टाइम्स ऑफ इंडिया की थोड़ी अच्छी, बहुत ईजी और ईजी टू अंडरस्टैंड है, और इंडियन एक्सप्रेस की थोड़ा मिडिल में आती है। तो सिमिलरली जब आप ये देखते हैं कि जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको अपनी टेस्ट के अनुसार कौन सा जो उसमें आपको समझ आ रहा है पहले वो देखिए, और उसके बाद ग्रेजुअली आप दूसरे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए। अब मान लीजिए आपने 100 मॉक टेस्ट दे दिए, तो आपको उनसे मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि पजल आ गई, अब पजल आ गई तो आपको 7-7 लोग बैठे हैं और उनको जो है आपने
सर्कल में अरेंज करना है। तो सात लोगों के बीच में आपको क्या दिया है उसने, तो क्यों दिया है, कैसे दिया है। तो अगर आप जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और एनालिसिस के टाइम पे, अगर आप एनालिसिस के टाइम पे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हिच, हुम, ये क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं उस वक्त अपने आप से कि ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, व्हाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, व्हिच इज द मेथड थ्रू व्हिच दिस इज हैपनिंग, हुम भी आप पूछ सकते हैं वहां पे कि हु इज हेल्पिंग समवन, या इस तरीके से वहां पर आपको ये चार पांच चीजें जो WH क्वेश्चंस हैं वो आप पूछिए अपने आप से जहां कोई रेलिवेंट हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होगी। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने हैं इसके पीछे मत भागिए। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाना तो एक क्राइटेरिया है कि यस आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस में 1 घंटा और देना चाहिए आपने। अगर आपका मॉक टेस्ट 45 मिनट्स में खत्म हो रहा है तो यू शुड गिव 1 आवर फॉर मॉक टेस्ट का एनालिसिस, इंग्लिश है आपका, जीके है, इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग के लिए, तो आपको चीजें समझ आएंगी बहुत जल्दी। और विद इन दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस मे 30 मई, अगर आप मेरी चीज बताई हुई चीज को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फर्क इसमें दिखेगा। तो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज पजल्स के मामले में हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्वांट्स पढ़ रहे हैं, कोई जो है मेंस की तैयारी साथ साथ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट पजल्स को निग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, पजल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते उतनी। तो रेगुलरली एटलीस्ट आप पजल की प्रैक्टिस करिए, नो द टाइप्स ऑफ पजल्स, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की पजल्स ही अपने बैंकिंग एग्जाम्स में आती हैं, फिर चाहे वो सात लोग का सीटिंग अरेंजमेंट हो, ट्राइंगल, सर्कल, बॉक्स बेस्ड हो, या फिर जो है फ्लोर अरेंजमेंट हो जिसमें कि सात लोग, 8 लोग, वेकेंट वाला 9 लोग, 10 लोग, 11, 12 भी आता है, तो RRB के प्री में 12 आए थे। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से आपको आ सकता है। यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि टाइप्स ऑफ पजल जितनी ज्यादा आपको पता होंगी उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होंगे एग्जाम में। अगर ये कंफर्टेबिलिटी आपको चाहिए, कंफर्टेबल आपको होना है वहां पे, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइप्स को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पजल में क्या होता है, क्लूज दिए होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा उस टाइम घबरा जाते हैं, या ऐसा लगता है अरे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस वक्त आप कूल और काम रहें और ये देखें कि यस ये हो सकता है, यू कैन डू इट, बिकॉज सात लोगों को ही तो बिठाना है, 8 ही लोगों को तो चेयर पे बिठाना है, 8 ही लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो यू कैन डू इट। सो ऐसा सोच के जब आप करोगे तो अपने आप को शाबाशी देते हुए आप करते रहिए, तो आपका ये पजल भी यहाँ पे होता रहेगा। तो अपने आप को आप वहां पे शाबाशी दीजिए, तो वो आप अब थोड़ा सा मोटिवेट करिए अपने आप को, तो आप पजल कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि प्रैक्टिस कम करते हैं और जो है हम जो रेलिवेंट चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पजल पे उतनी पकड़ नहीं बन पाती है। तो पजल में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है रेलिवेंट बैंकिंग पजल्स अगर आपको चाहिए, यस ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा चैनल को प्रमोट करना है वगैरह, नो दिस इज नॉट माय एम। मेरा एम क्या है कि मैंने रेलिवेंट बैंकिंग पजल्स यहाँ पे अपलोड करी है आपके लिए, क्योंकि मैंने काफी तकलीफ झेली जब मेरे को रेलिवेंट बैंकिंग पजल्स नहीं मिल रही थी, प्री की, मेंस की तो मिली नहीं, बहुत कम मिली, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए डेली जो जो चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूँ और जो मुझे बेस्ट लगती है, जो कि मैंने अभी एग्जाम दिए उसमें मुझे आई है, तो मैं वो पजल्स को अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये फायदा हो, और अगर किसी को कुछ चीज एकदम से नहीं मिल रही है तो वो यहाँ पे मिल जाएगी, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट
बाय फॉलोइंग ऑल माई पजल्स, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया कि यस ये पजल्स बहुत जरूरी है आपका जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर आप फ्रेंड्स मुझसे पूछिए, मैं आपको सही गाइडेंस और सही प्रॉपर एडवाइस दूंगा जिससे कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक और बिल्कुल स्माइल करिए, चीयरफुल रहिए और एग्जाम की तैयारी करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। थैंक यू।